एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी स्टूडेंट्स ईआर के नाम से जाने जाते हैं, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये पहले बताया हुआ आप लोगों को कि राइबोसोम इनके ऊपर अटैच भी हो सकते हैं, आजादाना भी हो सकते हैं। तो वो नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम, कहाँ से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होकर न्यूक्लियर एनवेलप तक मौजूद होती है सेल के अंदर। वो उस तरह के इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ चैनल को आप लोग कहते हैं, हमारे पास क्या है वो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर। नॉर्मली ये दो फॉर्म में होता है, याद रखिएगा, एक होता है रफ अपेयरेंस वाला, एक होता है स्मूथ अपेयरेंस वाला। तो जहां पर राइबोसोम इस तरह से लगे होते हैं उन्हें कहते हैं हमारे पास ये रफ अपेयरेंस है, जहां पर राइबोसोम नहीं होते उन्हें कहा जाता है ये आपके पास क्या है, स्मूथ अपेयरेंस वाले। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सो नेम बिकॉज रफ अपेयरेंस ड्यू टू द न्यूमरियस राइबोसोम्स दैट आर अटैच टू इट। इस राइबोसोम्स की मौजूदगी की वजह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज ए प्रोटीन सिंथेसिस, याद रखिएगा कि इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जबकि स्मूथ के पास राइबोसोम नहीं होते तो ये नॉर्मली लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर, यानी जो भी मटेरियल सेल में आता है उसको सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाना भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रोल प्ले करता है वो डिटॉक्सिफाई करता है, यानी जो जहरीलापन होता है सेल के अंदर या कोई जहरीली चीज़ हम खाते हैं, हमारे पास हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उनको कम जहरीले कर देता ताकि आपकी बॉडी को नुकसान ना हो। जो भी जहरीला केमिकल बॉडी के या सेल में इंटर होता है उसे डिटॉक्सिफाई करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकोलम की होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकोलम, डिफाइन एंडोप्लाज्मिक रेटिकोलम, और ये बात ऑब्जेक्टिव में आती है कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में कौन काम करता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकोलम, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकोलम है वो सिर्फ प्रोटीन की सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं वो भी यही करवाता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है कि इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, बाहर से लेके अंदर तक क्या होते हैं, एक्सटेंड हुए होते हैं। ये सेंटर में न्यूक्लियस दिखाया गया है, ये सारे छोटे छोटे राइबोसोम्स के साथ है, तो हम इन्हें कह देते हैं हमारे पास ये रफ अपेयरेंस में है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके बाद जहां पर हमारे पास इसमें ये इसमें किसी किस्म का कोई राइबोसोम नजर नहीं आ रहा तो हम इसे कहते हैं हमारे पास क्या है, ये एक तरह का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये बात अच्छी तरह समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।